उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज पुलिस चौकी संत नगर अंतर्गत ग्राम सभा आमोई पूर्वा महेंद्र कोल की 4 महीने पहले स्वर्गवास हो गया था, जो कि उनकी पत्नी भी बीमार चल रही थी। 1 हफ्ते हो गया उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उनके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। पीड़ित परिवार का जो भी मदद हो सके किया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट, धनंजय मौर्य की खास रिपोर्ट। क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, किन किन समस्याओं का इसमें आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या है सबसे बड़ी इसमें आपके पास? तो भैया का कहना है कि भैया इस समय इस दुख की घड़ी में खड़े हैं कि 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि तीन महीने पहले हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके, और 1 हफ्ते पहले यानी कि आज बृहस्पतिवार है, तो आज के 1 हफ्ते पहले इनकी माताजी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इस समय इनके सामने एक तरीके से कहा जाए तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। दुख का पहाड़ टूटने का मतलब ये कि न तो इनके सामने कोई आगे है और न तो पीछे है। भैया क्या उम्र होगी आपकी? 17 साल। भैया की उम्र 17 साल है, तो इनके परिवार के ऊपर या इनके सामने इस समय दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तो अब मैं अपने दर्शकों के माध्यम से, जितने भी हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं अपने हर एक दर्शकों से ये आग्रह और विनती करूँगा कि जितने भी हमारे भाई दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, कि मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा और आग्रह भी कर रहा हूँ कि ये भैया का हमारे सपोर्ट करें, चाहे जिस तरीके से हो सके। तो भैया अभी आपकी जो 3वीं का संस्कार होना है, कितना दिन है? 4 दिन बाकी है। 5 दिन। तो भैया ने अभी बताया कि 3वीं संस्कार में 5 दिन बाकी हैं। तो मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह और अनुरोध विनती कर रहा हूँ कि जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देखेंगे, आप लोगों से जो भी सहयोग होगा, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, तो आप इनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय ये घर के मुखिया हैं। इनके सामने इस समय आफत की एक पहाड़ टूट पड़ी है। न तो इनके सामने मम्मी है, न तो पापा है। और मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इनकी 3वीं कार्यक्रम में ये किस तरीके से अपने कार्यक्रम को संपन्न करना चाहते हैं, उस तरीके से मैं आप लोगों को या अपने दर्शकों को अरेंजमेंट की व्यवस्था बताना चाहता हूँ या बताऊँगा भी कि किस तरीके से ये अपने 3वीं कार्यक्रम का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या क्या इनको समस्याएं सामने उत्पन्न आ रही हैं। मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह करूँगा कि जितने भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं इनका आपको लास्ट में फ़ोन नंबर भी बताऊंगा, और अगर अकाउंट नंबर होगा तो अकाउंट नंबर भी बताऊंगा। तो जितना भी आप हमारे दर्शकों जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि जो भी हो सके हमारे दर्शक से 100, 50, 200, 500 उनका ये सहयोग करें। तो मैं अभी इनसे सामने पूछूंगा कि भैया का इस समय 3वीं कार्यक्रम का जो भी अंत्येष्टि संस्कार होता है हमारे हिंदू धर्म में, क्या क्या इनके सामने क्या क्या ये करेंगे और किन किन चीज़ों की समस्या आ रही है इनके सामने, मैं इनसे बात करके अपने समस्त दर्शकों को बताऊंगा और अपने दर्शकों से अनुरोध भी करूंगा कि इनकी समस्याओं में आप दर्शक हमारे और हमारे जितने भी सहपाठी हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे जितने भी समाचार ब्यूरो हैं, हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सब लोग एक साथ खड़े होकर इनका सहयोग करें। भैया आप क्या करना चाहते हैं अपने माता जी के 3वीं संस्कार में, क्या करना चाहते हैं आप? खाना पीना बताना या क्या भी खाने पीने की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, मैं अपने चैनल से दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा, हो सकेगा मैं अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा मैं आपका सहयोग करना चाहूंगा। आप बताइए अपनी समस्या। पूरी सब्जी बनेगा और बुनिया बनेगा। लगभग इस कार्यक्रम में कितना खर्च आएगा? लगभग 200, 500, 2000, 5000, 8-10 हज़ार तक आ जाएगा। 10 हज़ार तक। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार, किस गांव के रहने वाले हैं आप? आमोई पूर्वा। थाना क्या लगता है? लालगंज। जिला कौन सा है? मिर्जापुर। मिर्जापुर। आपके परिवार में इसमें कितने सदस्य हैं? 5। कितने, 5 में कौन कौन है?
कितने भाई कितने बहन हैं? दो भाई तीन बहन। दो भाई तीन बहन, तो आप सबसे बड़े हैं किस नंबर पे हैं आप? सबसे बड़े हैं। उसके बाद? एक बहन है। उसके बाद? फिर भाई है, तब बहन है, फिर तब बहन। भैया ने अभी आपको बताया कि हमारे परिवार में इस समय 5 सदस्य हैं, दो भाई और 3 बहन, जो जिसमें कि ये सबसे बड़े हैं। नाम अभी आपने सुन भी लिया है और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से एक बार बता भी दे रहा हूँ कि इनका नाम रवि कुमार है, जो कि सबसे बड़े हैं। इनकी उम्र लगभग 16 साल है और इनसे एक छोटी बहन है, फिर एक भाई है, फिर एक छोटी बहन है, फिर एक छोटी बहन है। तो मैं अपने दर्शकों से ये विनती करूँगा और आग्रह भी करूँगा कि जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इनका जितना भी सहयोग हो सके आप लोग इनका सहयोग करें, इनके कार्यक्रम को सफल बनाएं। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? नहीं। आपके गांव के कौन जो प्रधान है उनका क्या नाम है? राम नरेश। किस जात के हैं वो? हरिजन। हरिजन। तो जब आपके साथ ये घटना घटी या आपकी जब माता जी या पिताजी एक्सपायर हुए तो उनको आप लोग सूचना दिए थे? उनको सूचना दिया गया था किसी के माध्यम से? नहीं दिया गया था। अच्छा उनको बाद में मालूम चला? अच्छा मतलब ये दादाजी बता रहे हैं कि हमें प्रधान हैं, उनको इस घटना के बारे में कुछ जानकारी मिली थी? अरे जानकारी काहे न मिले, पड़ोसी हैं तो जानकारी, पूरा देश है, आए गांव आए, वो नहीं आए। तो जब आए थे वो कभी मतलब इस घटना को घटने के बाद कभी इस द्वार पे आए प्रधान जी? नहीं आए। आप लोग उनके पास गए थे इस घटना को लेकर जानकारी देने के लिए? नहीं गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार उनके यहाँ जाइए और अपनी बात को रखिए, उनसे कहिए कि जो भी आपसे सहयोग हो सके सहयोग करिए। और अभी जाएंगे आप? जा, वो हमेशा जाते आते रहते हैं। चलिए ठीक है। तो मैं अभी अभी आपको मैं बताया कि दादाजी हैं जो कि बताएं कि प्रधान को इसके बारे में कोई सूचना भी नहीं दी गई थी और इनके जो प्रधान हैं ये इनके घर से लगभग सटे हुए हैं। लगभग कितना दूर होगा घर से? अरे ये 1 किलोमीटर नहीं है, लगभग 500 मीटर इनका घर होगा। तो मैं अभी इनसे बात कर रहा था कि सरकारी योजनाओं के बारे में कि इनको क्या लाभ मिला है क्या नहीं मिला है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि पीड़ित परिवार की तरफ कैमरा लेके आए और थोड़ा सा मैं इनके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि इनको जो सरकारी योजनाएं आती हैं जैसे कि आवास हो गया और क्या कहते हैं उसको शौचालय हो गया, इनको मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो हम पत्रकार बंधु उनके पास जाएंगे, उनसे आग्रह और विनती अनुरोध करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को एक आवास दिया जाए और एक सार्वजनिक शौचालय दिया जाए और जो भी गांव में पट्टे की ज़मीन होती है उसको भी इनको कुछ ना कुछ प्रदान किया जाए। भैया आप ये बताइए कि आपको प्रधान के माध्यम से कोई सरकारी योजना मिला लाभ, जैसे आवास हो गया या सार्वजनिक शौचालय हो गया, कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। तो भी भैया ने बताया कि इनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है, पहली बात तो एक ये पिछड़ी जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं और इनको सरकारी योजनाओं का एक भी लाभ नहीं मिला है, जैसे कि आवास हो गया या फिर सार्वजनिक शौचालय हो गया। तो मैं अपने कौन सा गांव पड़ता हूँ? ये अमोई। क्या नाम बताया ग्राम प्रधान का? राम नरेश। मैं अपने चैनल के माध्यम से या अमोई के जो भी ग्राम प्रधान हैं राम नरेश जो भी कास्ट के लगते हों उससे मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनसे ये आग्रह और विनती भी करूँगा कि जो भी इस पीड़ित परिवार का आपके माध्यम से सहयोग हो सके, चाहे सरकारी आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे आपके माध्यम से इनके माताजी के 13वें कार्यक्रम में जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं निसंकोच सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की लाज शर्म करने की कोई बात नहीं है। तो आइए मैं कुछ और इनके सदस्य से बात करूँगा। बेटा क्या नाम है आपका? अंजू। क्या नाम है? अंजू। कितनी उम्र है आपकी? 14-15 साल। लगभग 14-15 साल। बोले 14 साल। अभी ये इस पीड़ित परिवार की बड़ी बच्ची हैं, रवि जी के बाद इनका नंबर आता है, 14 साल की उम्र है इनकी। बेटा ये बताओ कि
ये घटना जो घटी है कैसे घटी? बीमार थी। तो माता जी के इंस्पायर होने के बाद आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया समाज का या गांव का जो आपके सामने आपको ये सांत्वना देने के लिए तैयार खड़ा हो कि बेटा मैं जो भी घटना घटी उसके लिए मैं दुखद हूँ या मैं सदमे में हूँ, लेकिन मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपके परिवार को या आपके जो भी 13वीं का कार्यक्रम होता है मैं उसमें अपना योगदान दूंगा, ऐसा किसी ने आपके सामने आके कहा? अभी ये क्या नाम बताया बेटा आपने? अंजू। इस लड़की का नाम है अंजू देवी, जो कि पीड़ित परिवार की बड़ी लड़की हैं। रवि के बाद इनका नंबर आता है। इनके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुआ कि अभी तक हमारे घर पे कोई भी ऐसा गांव का सदस्य नहीं आया जो कि हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हो सके और हमारा कुछ मदद कर सके। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को ये तमाम दर्शकों से, हमारे चैनल को देखने वाले तमाम दर्शक से मैं अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि आज 19 अगस्त 2021 है, किस तारीख को पड़ेगा भैया? तेरा ही बुध के पड़ेगा मुझे, तारीख कार्ड 22 संडे पड़ता है, 23 25। तो आज जिस मैं अपने चैनल के माध्यम से ये खबर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आज 19 अगस्त 2021 है और इनके माता जी का जो 13वीं का कार्यक्रम है ये 25 अगस्त 2021 को पड़ेगा। तो मैं अपने तमाम दर्शकों से यह आग्रह विनती अनुरोध कर रहा हूँ और अपने तमाम चैनल के पत्रकारों से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोगों से जो भी सहयोग हो सके, 100, 200, 500 या गेहूँ चावल जो भी व्यवस्था हो सके इस पीड़ित परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें। भैया आपका कोई खाता नंबर या अकाउंट नंबर है? नहीं भैया का कोई खाता और अकाउंट नंबर है नहीं है। जो भी आपको जानकारी लेनी हो मैं अभी कमेंट बॉक्स में या अपने नंबर बताऊंगा इनका फ़ोन नंबर। तो मैं अपने तमाम पत्रकार बंधुओं से आग्रह विनती और अपने तमाम दर्शकों से यह विनती करूंगा कि आप इनके फ़ोन नंबर से बात करके इनसे जानकारी ले सकते हैं किन चीज़ की इनको आवश्यकता है, किन चीज़ की नहीं है, या क्या क्या आपके घर में है, क्या क्या नहीं है, तमाम चीज़ों की जानकारी आप अपने फ़ोन नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। मैं अभी तक आपके सामने लाइव जुड़ा रहा प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से धनंजय मौर्य कि अभी आप तक इन पीड़ित परिवार के बारे में आपने जानकारी दी। आपको जो भी कमेंट करना हो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट देख सकते हैं और सुझाव भी देख सकते हैं। धन्यवाद।